किसी को वास्तविक महापुरुष नहीं मिला होगा तो वो अनंत जन्म तक यही समझेगा कि भगवान एक्टिंग करते हैं। सर्वज्ञ भगवान अल्पज्ञ कैसे हो जाएंगे, सर्वसमर्थ भगवान असमर्थ कैसे हो जाएंगे? हाँ, अल्पज्ञता की एक्टिंग कर सकते हैं। अरे हम ही लोग कर सकते हैं, भगवान को छोड़ो। छोटे बच्चे से हम लोग कुश्ती लड़ते हैं तो गिर पड़ते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाता है। हम डोंट को डींट भी बोल सकते हैं, कोई मेहनत नहीं है। यानी जितनी शक्ति हमारे शरीर में है उससे कम शक्ति की एक्टिंग कर सकते हैं, चाहे बुद्धि की शक्ति हो चाहे शरीर की हो, कोई हो, तो भगवान एक्टिंग करते होंगे। कान खोल कर सुन लो, हमेशा के लिए समझ लो, भगवान एक्टिंग नहीं करते, फैक्ट है, बिल्कुल वास्तविकता है। भगवान डर रहे हैं, रो रहे हैं, फैक्ट में। जैसे छोटा बच्चा आपका बांध दिया जाए और मैया डंडा लेकर खड़ी हो, जैसे वो बच्चा रोता है फैक्ट में, ऐसे ही श्री कृष्ण फैक्ट में रो रहे हैं, एक्टिंग नहीं। जैसे संसारी स्त्री संसारी पति प्यार करते हैं और फैक्ट में एक दूसरे के प्रति दास बन जाते हैं आसक्त होकर के, इसी प्रकार भगवान भक्त से प्यार करते हैं फैक्ट में। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं, आओ हनुमान जी, आओ गोपी जी, ये पिक्चर की तरह एक्टिंग नहीं है, वास्तविकता है। अगर एक्टिंग हो तब तो कोई समझदार आदमी प्यार नहीं करेगी, हमको चिपका रहे भगवान, एक्टिंग कर रहे हैं कहां प्यार करेगी, ऐसा नहीं। आप कहेंगे कि भाई हाँ ठीक है, हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन उनकी शक्ति गई कहां? अरे भाई जो उनमें शक्तियां अनंत है और एक एक शक्ति अनंत अनंत मात्रा की, अनंत शक्ति और एक एक शक्ति अनंत अनंत लिमिट की, अनलिमिटेड, वो शक्ति स्वरूप शक्ति में लीन हो जाती, लीन हो जाती। आप लोग जैसे अनुभव करते होंगे कभी कभी मां के बाप के बीबी के चिपटाने पर, जब बहुत प्यार आता है आपका तो आपकी क्या अवस्था होती है? शून्य हो जाती है अवस्था, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, शून्य। उस समय आप तो बड़े काबिल है, आईएएस में आए हैं और डीलिट है, हाँ जी वो थे तो, लेकिन उस समय उस रस में वो ज्ञान डूब गया था, इसलिए उस ज्ञान का कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता। आप लोग स्वयं अपने अनुभव से सोचें, तो एक भगवान की पावर है स्वरूप शक्ति, उसके कई नाम है, उस स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान मोहित हो जाते हैं और मोहित हो जाने से उनका ज्ञान का लय हो जाता है। जब ज्ञान का लय हो गया तो सर्वज्ञ भगवान अल्पज्ञ हो गया। ये जो अल्पज्ञता हम लोगों में है माया के अंडर में, ये वैसी अल्पज्ञता नहीं है, ये योग माया की अल्पज्ञता है। आत्म माया, अपनी माया से मोहित होते हैं, अपनी योग माया से। संभवाम्यात्म मायाया, ये बहिरंगा माया नहीं जिस माया के अंदर में समस्त जीव है, वो माया तो विलज्जमानया तस्य स्थापनी क्षापके मुया, भागवत कहती है वो तो माया शर्म के मारे भगवान के सामने भी नहीं जा सकती है। नौकरानी देखो, नौकरानी है सोदासी रघुवीर की, लेकिन भगवान के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती बिचारी, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं खड़ा हो सकता ऐसे। तो भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं सब शक्तियां स्वरूप शक्ति के अंडर में, सबसे बड़ी
पावर उनकी स्वरूप शक्ति है। उस स्वरूप शक्ति के अंदर में जब भगवान हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं? उनकी स्वरूप शक्ति का एक तत्व है प्रेमा शक्ति। उस प्रेमा शक्ति के अंदर में ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति के अंदर में सारी शक्तियां हैं। तो प्रेमा शक्ति के कारण भगवान समस्त विश्व विमोहन है। ध्यान दीजिए, समस्त विश्व को मोहित कर लेते हैं। इतना सौंदर्य है भगवान में, अनंत कोट कामदेव मूर्छित हो जाता है देख करके, इतना सौंदर्य है। हाँ, लेकिन वे ही श्याम सुंदर गोपियों के सौंदर्य को देखकर मोहित हो रहे। जब सोचिए, एक कूड़ा कबाड़ा गोपियों का देह, पंच महाभूत का पिटारा, मल मूत्र का पिटारा, ये शरीर जो है, इस शरीर को देखकर तो देवता भी नहीं मोहित होगा, भगवान को मोहित हो गए। वो शरीर पर मोहित नहीं हुए, वो जो गोपी के पास प्रेमा शक्ति है, अलौकिक दिव्य भगवान की स्वरूप शक्ति की पावर, उस शक्ति के अंदर में हो गए भगवान। तो स्वजन मोहन होते हुए भी और गोपी के द्वारा मोहित हो गए, और लंपट की तरह गोपियों का पीछा किया, सखाओं से जूठा जूठा खाना मांग मांग के खाया, उसमें मिठास का अनुभव हुआ। ऐसा नहीं कि एक दिन कर रहे हैं ताकि इतिहास में हमारा नाम हो जाए। जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई पेड़ लगाते फावड़ा था सब पकड़ लिया, फोटो खींच गया, अखबार में आ गया, वो श्रमदान कर रहे, झाड़ू हाथ में ले लिया कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर ने, ऐसी एक्टिंग नहीं। फैक्ट में भगवान प्रेमा शक्ति के अंदर में हो जाते हैं। इसलिए वो जो ज्ञानादिक शक्तियां हैं भगवान की, वो उस प्रेमा शक्ति में, स्वरूप शक्ति में लीन हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। यो समझ लो, जैसे आप गहरी नींद में सो गए, अब आप बड़े काबिल हो चाहे घोर मूर्ख हो, दोनों बराबर हो गए। कोई मन का वर्क नहीं हो रहा है, कोई बुद्धि का वर्क नहीं हो रहा है, कोई इंद्रियों का वर्क नहीं हो रहा है, गहरी नींद में उसको लीन हो गए सबके सब। इसलिए भगवान जो भक्तों के साथ उनका व्यवहार होता है, दास भाव का हो, सख्य भाव का हो, बात्सल्य भाव का हो, माधुर्य भाव का हो, वो सब फैक्ट में होता है, बनावट नहीं। प्रभु कर कर कपिदार पर ते किए आप समान, तुलसीदास ने कहा, लेकिन जरा कम ठीक कहा, आप समान नहीं, उल्टा। बंदर ऊपर बैठे हैं, स्वामी नीचे बैठा है, ये तो उल्टा हो रहा है, बराबर कहां हो रहा है? बराबर का मतलब ये है कि जिस आसन पर स्वामी बैठा है उसी पर दास बैठे, जैसे भरत जी ने कहा था, सिर बल चलाओ धर्म आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बड़ा कठिन है, जिस पृथ्वी पर स्वामी का चरण पड़े, गुरु का चरण पड़े, भगवान का चरण पड़े, वहां पर दास का, शिष्य का सिर पड़ना चाहिए। लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। देखो लक्ष्मण जी कितने बचा बचा कर चलते थे, राम और सीता दोनों के चरण चिन्ह को बचा बचा कर अपना पैर रखते थे, उनके चरण पर हमारा पैर न पड़ जाए। लेकिन पृथ्वी तो ही रहेगी, आप क्या करें, तो मजबूरी है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, प्रभु तर तर कपिदार पर, ये दार पर बैठे हैं,
ये तुम देख रहे हो। हाँ मैंने देखा, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। कौन? हनुमान जी या राम जी? राम जी नहीं देख रहे हैं कि वो ऊपर बैठा है, और हनुमान जी नहीं देख रहे हैं कि राम नीचे बैठे हैं। वो तन्मय तल्लीन हो गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, रामकृष्ण परमहंस साक्ष थे दुर्गा के भक्त। जब दुर्गा मैया को माला पहनाने के लिए चले, मां 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 मां, अपने को मां मानकर लीन हो गए समाधि में और स्वयं माला पहन लिया। वहां आप लोग भी थे, देखे देखे कथा पाखंडी है, दुर्गा की मूर्ति सामने रखी है, माला खुद पहन लिया। क्या दुनिया है, ये बाबा बने, इनको गोली मार देना चाहिए। आप लोग उस समय ये बोले थे, क्योंकि आप जान ही नहीं सकते ये किस अवस्था की बात है। गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते करते तल्लीन होकर के आवेश में, मैं श्री कृष्ण हूं, मेरी उपासना करो, पूजा करो, लाओ सब लोग। एक अवस्था है समाधि की कि राम को पता ही नहीं हम नीचे बैठे हैं और हम स्वामी हैं, और हनुमान जी को पता ही नहीं हम ऊपर बैठे हैं और दास। दास अपने को स्वामी मानने लगता है, स्वामी अपने को दास मानने लगता है। अजीब स्थिति है। एक बार ठाकुर जी को निवृत्त निकुंज में, निकुंज में किशोरी जी भोजन करा रहे थे, ठाकुर जी खा रहे। इतने में एक सखी आई, उसने कहा, क्यों जी, मुझको तो ऐसी खबर मिली कि तुम अभी यमुना के किनारे खेल रहे हो और तुम यहां बैठे बैठे ठाट से भोजन कर रहे हो। उसने ठाकुर जी से कहा, किशोरी जी ने सुना और समाधि में चली गई और खिलाना बंद। अरे श्याम सुंदर यमुना के किनारे हैं और मैं यहां क्या कर रही हूं बैठ के? श्याम सुंदर बार बार जगाते हैं, अरे प्रिया जी खिलाओ ना। वो किसको खिलाए? यमुना किनारे पहुंच गई किशोरी समाधि में। बहुत प्रकार की समाधि होती है। अग्र आदत ताबे मंजिल गाहे इश्क, शस्त दबाजिया दर राहे इश्क, क्यों अलिफ आयत निया ने रे वमीन, दर हकीकत रू नुमायत शाहे इश्क। जागृत समाधि, स्वप्न समाधि, सुसुप्ति समाधि, तुरीय समाधि, जागृत में स्वप्न, जागृत में सुसुप्ति, जागृत में तुरीय, स्वप्न में जागृत, स्वप्न में सुसुप्ति, स्वप्न में तुरीय, सुसुप्ति में स्वप्न, सुसुप्ति में जागृत, सुसुप्ति में तुरीय, तुरीय में जागृत, तुरीय में स्वप्न, तुरीय में सुसुप्ति, जागृत में जागृत, स्वप्न में स्वप्न, सुसुप्ति में सुसुप्ति, तुरीय में तुरीय। कितने प्रकार की समाधियां होती, फिर इनके एक एक के तमाम भेद है। उसको हम लोग भला क्या समझेंगे, जिसको अनुभव है वो इतनी बारीक बात समझे। हम लोग इतने जानते हैं कि स्विच को ऑन करो टीवी में, आ गया तो, अंदर क्या है टीवी में, अरे वो मैं कुछ नहीं जानता, हजारों तार फार क्या लगे। ये तो टीवी बनाने वाले उसके इंजीनियर लोग जाने इसमें क्या क्या बवाल है। अपन को तो बस इतना आता है स्विच को ऑन करो, आप करो बस। तो भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं सब स्वरूप शक्ति के अंदर में है। इसलिए भगवान अपनी उन समस्त ज्ञानाधिक शक्तियों को खो देते हैं। यद्यपि उस खोने का अभिप्राय ये न समझ लेना जैसे संसार में कोई पागल हो जाए और अपनी सारी बुद्धि खो बैठे उसका इलाज किया जाए, ऐसा नहीं है। वो स्वरूप शक्ति ही जब चाहे आ जाए, वो सबको लेकर के उसके अंदर में है ना, ऑर्डर दे दे, ऐ ज्ञान सर्वज्ञ महोदय जी आज्ञा आ जाओ आगे। लेकिन जिस समय भक्त से प्यार कर रहा है भगवान, उस समय
वो ज्ञानादित का लवलेश भी नहीं रहेगा, वही ज्ञान रहेगा जो भक्त के प्रति होना चाहिए। इसीलिए कुंती वगैरह बड़ी बड़ी परमहंसावस्था वाली महिलाएं भी जब इस छाती में देखती हैं ठाकुर जी की, उखल में बंधे हैं हाथ प्लस पेट सब मिलाकर, खाली हाथ बांधा जाता है जोर का, लेकिन जकाई को सब पूरे अंग अंग से बांधते हैं, बड़ा खतरनाक है। अरे जो पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए उसको कोई मामूली डकैत समझते हो? तो मैया ने भी कस कस कर बांधा है पेट वगैरह सब अंग लेकर। तो कुंती कहती है गो प्यादे तवकता दाम तावत याते दशाश्रु कालीलांजन संहृताक्ष वक्त्रम निनीय भाव भावनया स्थितस्य सा मे विमोहयति भीरपि यद्विभेति। जिसके भय से भय भी भयभीत होता है वो यशोदा मैया के जरा से पतले से डंडे से डर कर आंसू बहाता हुआ कांपता हुआ सिर नीचे करके, उसका हाल ऐसा हो रहा है जैसे सचमुच कोई रिवाल्वर ले खड़ा है, अब गोली छूटने वाली है, ऐसी अवस्था है। तो कुंती कहती है मेरी तो बुद्धि खिन्न हो जाती है सोच कर कि है क्या ये वायक्त है, जो इस रहस्य को जान ले कि स्वरूप शक्ति में अन्य सब शक्तियों का लय हो गया, इसलिए श्याम सुंदर सचमुच ही डर रहे हैं और मैया से कह रहे हैं मैया जी मैं नहीं माटी खायो। उनकी पर्सनैलिटी सुप्तं चास्ति महाप्रलय मित मेतस चराचरम निश्वसितमस्ति वेदा। भगवान गहरी नींद में सो रहे थे, उनके श्वास गहरी नींद का श्वास निकला और चार वेद भटक हुए। जब गहरी नींद के श्वास का यह हाल है तो जागृत अवस्था में श्वास लेंगे तो क्या ना निकल पड़ेगा, तो सोचो जरा सा मुस्कुरा दिए बस चराचर विश्व बन गया, आंख बंद कर लिया भाव टेढ़ी कर दिया अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, न बोलना है न कुछ करना है, कुछ करना धरना नहीं। आज वो ब्रह्म एक बुढ़िया की साटी पतला डंडा होता है, साटी कोई लठिया नहीं, छोटे बच्चों को मारने के लिए माए बहुत पतला डंडा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि प्यार तो है ही है, दुश्मन से थोड़े मार रही, वो तो इसलिए मार रही है कि बच्चे में अवगुण ना आने पावे, झूठ बोलना अवगुण है, चोरी करना अवगुण है, ये सारे अवगुण ठाकुर जी में भरे पड़े। मैया के भाग्य में यही लिखा था ऐसा लड़का मिलेगा, अपना अपना भाग्य। जब आप लोगों का लड़का कोई गलत काम सीखता है तो आप लोग यही तो कहते हैं हमारे कौन से कर्म खोटे थे कि तू पैदा हुआ, तू पैदा होते ही क्यों नहीं संसार से चला गया, मेरी मुसीबत कर रहा है, रोज शिकायतें चारों ओर से आती है। तो ठाकुर जी की वो सारी शक्तियां निशोषित मस्त मेरा वीक्षित मस्त आदि जो है वो सारी शक्तियां स्वरूप शक्ति में लीन हो चुकी हैं, यशोदा के वात्सल्य रस में उनका लय हो गया है, इसलिए ठाकुर जी को केवल इतना भान है कि मैं छोटा सा बच्चा हूं
और ये बड़ी लंबी चौड़ी मैया है और इसका एक डंडा सामने ऐसे ऐसे हिल रहा है, अब ये मेरे ऊपर पड़ने ही वाला है, जब पड़ेगा तो क्या होगा हाल मेरा, ये सब फीलिंग हो रही है सचमुच की। मैं नहीं आगे क्या होगा, बोलिए बालकृष्ण भगवान की।